गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार आपका यूनिक एडुसेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अब डेली सुबह हम लोग यूनिक करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, ठीक है। आज तो थोड़ा लेट हो गया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कल से डेली हम 9 बजे सुबह अपडेट करेंगे। डेली हम कल से 9 बजे आपके लिए करंट अफेयर लेके हाजिर रहेंगे। आज के लिए मैं आप लोग से क्षमा चाहता हूँ। दोस्तों, देखते हैं आज का करंट अफेयर क्या है। आज का क्या है, फर्स्ट तारीख के लिए, फर्स्ट डेट, फर्स्ट अगस्त के लिए आज का करंट क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि पहला आज है कि असम का मुख्यमंत्री कौन है। तो असम का मुख्यमंत्री कौन है, तो सर्वानंद सोनोवाल जी है। असम का मुख्यमंत्री कौन है, सर्वानंद सोनोवाल जी है। ये क्यों फेमस है, तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने एनआरसी लिस्ट जारी की। एनआरसी लिस्ट क्या होता है, तो एनआरसी लिस्ट क्या होता है, तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार आपका यूनिक एडुसेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अब डेली सुबह हम लोग यूनिक करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, ठीक है। आज तो थोड़ा लेट हो गया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कल से डेली हम 9 बजे सुबह अपडेट करेंगे। डेली हम कल से 9 बजे आपके लिए करंट अफेयर लेके हाजिर रहेंगे। आज के लिए मैं आप लोग से क्षमा चाहता हूँ। दोस्तों, देखते हैं आज का करंट अफेयर क्या है। आज का क्या है, फर्स्ट तारीख के लिए, फर्स्ट डेट, फर्स्ट अगस्त के लिए आज का करंट क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि पहला आज है कि असम का मुख्यमंत्री कौन है। तो असम का मुख्यमंत्री कौन है, तो सर्वानंद सोनोवाल जी है। असम का मुख्यमंत्री कौन है, सर्वानंद सोनोवाल जी है। ये क्यों फेमस है, तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने एनआरसी लिस्ट जारी की। एनआरसी लिस्ट क्या होता है, तो एनआरसी लिस्ट क्या होता है, तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। क्या होता है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। ये भी कभी कभी आपसे पूछ सकता है, ये एनआरसी का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ सकता है। तो क्या है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, ठीक है। सिटीजन अब कह रहे कि एनआरसी लिस्ट जारी होने से लगभग असम के 40 लाख लोगों को लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, जिसके लिए ये चर्चा में आया है। तो हो सकता है इसके बारे में पूछे, तो असम का मुख्यमंत्री अभी कौन है, तो सर्वानंद सोनोवाल है। दूसरा कह रहा है कि अभी पाकिस्तान में हुए चुनाव में इमरान खान की पार्टी के सबसे अधिक वोट मिले हैं, उनकी पार्टी का नाम क्या है। इमरान खान की पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी बन रही है पाकिस्तान के चुनाव में, तो उनकी पार्टी का नाम क्या है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इमरान खान की पार्टी का नाम क्या है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट सर्वे 2018 में भारत का स्थान क्या है। ये वर्ल्ड लेवल पर एक सर्वे किया जाता है, जो मतलब कि ई गवर्नेंस को बढ़ावा देता है। इससे क्या होता है कि हम लोग को फायदा रहता है, ठीक है। इससे आपको करप्शन वगैरह में कमी आती है। तो कह रहे हैं कि ई गवर्नमेंट के मामले में भारत का जो स्थान है 96th है, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट रैंक पर कौन है, तो इसमें फर्स्ट रैंक पर आपको डेनमार्क है, ठीक है। ई गवर्नमेंट के मामले में अभी फर्स्ट रैंक पर कौन सा है, डेनमार्क है। भारत का स्थान क्या है, तो 96 है। भारत किस स्थान पर है, तो 96 स्थान पर। एक बार फिर से देख लेते हैं, असम का मुख्यमंत्री कौन थे, सर्वानंद सोनोवाल थे। फिर कह रहे कि पाकिस्तान में हुए चुनाव में इमरान खान की पार्टी को सबसे अधिक वोट मिले, उनकी पार्टी का नाम क्या है, तो इमरान खान की पार्टी कौन सी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ठीक है। ये अभी ये भी चर्चा में है कि ये भी मतलब लगभग नरेंद्र मोदी के तरह चलते हुए ये भी चाह रहे हैं कि सार्क के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको अपने ये शपथ ग्रहण में बुलाए, जो 11 अगस्त को लेने वाले हैं। तीसरा है कि गवर्नमेंट डेवलपमेंट सर्वे 2018 में भारत का स्थान क्या है, तो भारत का स्थान इसमें क्या है, 96 है। आइए दोस्तों, तो देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अभी हाल ही में व्हाट्सएप ने ग्रुप कॉलिंग फीचर लॉन्च किया है। व्हाट्सएप जो एक मैसेंजर ऐप है, जो लोगों से बात करने के लिए फ्री में बात हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए कह रहा है कि अभी हाल ही में व्हाट्सएप ने ग्रुप कॉलिंग फीचर लॉन्च किया, जिसमें एक साथ कितने लोगों को जोड़ा जा सकता है। इसमें एक साथ पहले क्या था कि पहले आप जैसे वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, तो वीडियो कॉलिंग आप एक साथ में एक ही व्यक्ति से बात कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अब ये नया फीचर लॉन्च किया ग्रुप कॉलिंग का, इसमें आप एक साथ में चार व्यक्तियों को एक साथ में जोड़ सकते हैं।
दूसरा कह रहा है कि बायोफ्यूल पॉलिसी, बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान बना है। कौन है? बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? राजस्थान है। फिर छठा क्वेश्चन कह रहा है कि राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड के लिए किसे नामित किया गया? राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड ये शांति के क्षेत्र में लोगों को काम करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड के लिए किसे नामित किया गया? तो गोपाल कृष्ण गांधी को किया गया। ये गोपाल कृष्ण गांधी को अभी नामित किया गया है। ये अवार्ड आपको हर साल 20 अगस्त को दिया जाता है राजीव गांधी के जन्मदिन पर, बर्थ एनिवर्सरी पर आपको ये जो अवार्ड है उसको ये दिया जाता है। इस अवार्ड के तहत आपको 10 लाख रुपया दिया जाता है। इस अवार्ड के तहत आपको 10 लाख रुपया दिया जाता है। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो शांति के क्षेत्र में, पीस के क्षेत्र में काम करने के लिए, शांति के क्षेत्र में काम करने के लिए आपको राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड दिया जाता है। इसके तहत आपको 10 लाख रुपया दिया जाता है। और ये हर साल आपको 20 अगस्त को दिया जाता है। 20 अगस्त को क्या है? तो राजीव गांधी की बर्थ एनिवर्सरी है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन एक देख लेते हैं। आप चाहे तो लिख सकते हैं इसको, आप एक बार या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए, कुछ दिन बाद मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। अभी इसके लिए सॉरी ना, पीडीएफ अभी मेरे पास नहीं है, तो आप उसके लिए हमको पहले कॉपी पर लिखना पड़ेगा, जो अभी तो मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखते दोस्तों, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिका ने भारत को रणनीतिक कारोबारी साझेदार STA-1 का दर्जा देने की घोषणा की है। STA-1 का दर्जा बनाया गया भारत को। तो ये STA-1 आखिर क्या है, ठीक है। तो STA-1 क्या है, इसका आपको तो कभी कभी पूछ सकता है कि पूरा फुल फॉर्म में पूछ सकता है। तो क्या है? स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथोराइजेशन वन। क्या है? स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथोराइजेशन वन। इसके तहत अब इससे फायदा क्या है? तो कहा कि इसके तहत अब अमेरिकी कंपनियों द्वारा बनाई गई लगभग 90% अब हथियारों पर या कोई भी उपकरण, ठीक है, उस पर अब भारत को लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। पहले क्या था कि किसी काम को करने के लिए कोई लाइसेंस, मतलब कोई हथियार खरीद रहे तो उसके लिए आपको लाइसेंस बनवाना होता था। तो अब लगभग 90% हथियारों के लिए लाइसेंस बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और उसके अलावा भी आपको और अब मॉडर्न टाइम का आधुनिक जो हथियार है ये भी आपको अधिक मात्रा में मिल सकता है। पहले सभी आधुनिक हथियार उपलब्ध नहीं थे, ठीक है। कुछ कुछ चुनिंदा था कि यही आपको लेके जाना है, लेकिन अब इसके तहत आपको सेना जो हम लोग का है और अधिक आधुनिक बन सकता है, या और भी कोई चीज जो आधुनिक है उसको वो आपको मिल सकता है बिना वो लाइसेंस के। तीसरा कारक देखिए कि भारत जो है STA-1 का दर्जा पाने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश है। ध्यान दीजिएगा, पहला दक्षिण एशियाई देश है। क्या है? पहला दक्षिण एशियाई देश, और पूरे एशिया में ये क्या है? तीसरा है। पहले दो इससे, भारत से पहले जापान और दक्षिण कोरिया को STA-1 का सदस्य बनाया जा चुका है। तो आज के लिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से लेके आऊंगा मैं आप लोग के लिए, याद है। कल से मैं आप लोग के लिए सुबह 9 बजे आपको मिलूंगा, ठीक है। कल से आपके लिए डेली 9 बजे मैं करेंट अफेयर लेके हाजिर रहूंगा। आज के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप इसको कोशिश करूंगा मैं आपको पीडीएफ बहुत जल्द से जल्द उपलब्ध कराने के लिए। अभी आप बताता है इसके लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।